पीथमपुर मध्य प्रदेश जिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव कविता प्रदीप द्विवेदी के साथ दो अज्ञात व्यक्ति ठगी कर लाखों के जेवरा सहित 13,000 रुपए लेकर गए। मामला दुकान के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। श्रीमती द्विवेदी ने बताया कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ में आया ही नहीं। दो अज्ञात व्यक्ति सामान लेने आए और मेरे गले में रखे 15,000 नकदी और जेवर लेकर चले गए। मुझे पता नहीं चला। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पता चला कि कोई सम्मोहन क्रिया जैसी चीज की गई थी। काफी देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद आसपास के लोगों को बताया और थाने पर सूचना दी। सीसीटीवी में फुटेज व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आपके साथ में क्या घटना घटित हुई है आप बताएंगे? दो अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान पर आए थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि मुझे समझ में नहीं आया है। बहुत जल्दीबाजी में ये घटना हुई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे गले में से नकदी रखे 13,000 रुपए और मेरा कुछ जेवर जो मेरे हाथ के कड़े और अंगूठियां थी वो लेके गए हैं। मैं नहीं समझ पाई हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में ऐसा कुछ क्या किया है। मेरे दुकान पे लगे सीसीटीवी कैमरे के जो मैंने फुटेज देखे हैं उससे पता चला कि सम्मोहन क्रिया जैसा उन्होंने कोई काम ऐसा किया है जो मेरे साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।